माय डियर स्टूडेंट, मैं क्लास 10th का गणित एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन 3 लेके उपस्थित हूँ। इस क्वेश्चन में निर्देश है कि इस क्वेश्चन को आप जो है दोनों विधि से बनाइए, विलोपन विधि तथा वज्रगुण विधि से बनाइए, और आपको जो है कौन सा विधि अधिक उपयुक्त लगता है, इस तरह जो है निर्देश दिया हुआ है। आइए हम जो है बारी बारी से, पहले जो है विलोपन विधि से, फिर वज्रगुण विधि से इस सवाल को हम सोल्व करते हैं। आइए देखते हैं कि इसका आंसर में पहले विलोपन विधि द्वारा, देखिए विलोपन विधि से क्या बता सकते हैं, हम लोग इसको उतार लेते हैं। 8x + 5y = 9, यहाँ पे 3x + 2y = क्या हो गया 4। विलोपन विधि से हल करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसको जो है अलग अलग दोनों को समीकरण हम लोग मान लेंगे, समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड। अब हम लोग क्या करते हैं कि अगला स्टेप में किसी एक चर के गुणांक को बराबर करते हैं। यहाँ पे हम लोग जो है चर वाई के गुणांक को बराबर करने के लिए जा रहे हैं, तो चर वाई के गुणांक को बराबर करने के लिए समीकरण एक में चर वाई का जो गुणांक है 5 से हम लोग समीकरण 2 में गुणा करते हैं, और समीकरण 2 में चर वाई का गुणांक जो 2 है, 2 से हम लोग समीकरण 1 को गुणा करते हैं। अब देखिए क्या होगा, 2 से 8 को गुणा करेंगे 8 × 16x + 2 को 5 × 5 = 10y, 2 को 9 × 9 = 18, फिर 5 से 3 को गुणा करेंगे 5 × 3 = 15x, फिर जो है प्लस 5 को 2 × 5 = 10y, 5 × 4 = 20। हम लोग क्या किए, किसी एक चर का गुणांक बराबर कर लिए, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं चर वाई का गुणांक को हम लोग बराबर कर लिए हैं। अब यहाँ पे आप लोग ये देखिए कि हम लोग जो है जिस चर के गुणांक को बराबर किए हैं उस चर का हम लोग जो है चिन्ह देखेंगे। यदि दोनों में एक जैसा चिन्ह, यानी दोनों में प्लस रहेगा या दोनों में माइनस रहेगा, तो इसको हम लोग जो घटाने पर लिखते हैं, और अगर अपोजिट चिन्ह रहेगा, यानी पहला चर में, पहला समीकरण का चर में प्लस है तो दूसरा में यदि माइनस रहता तो हम लोग क्या करते, जोड़ने पर करते, या फिर पहला में माइनस है तो दूसरा में प्लस है तब भी हम लोग क्या करते, जोड़ने पर लिखते। तो यहाँ पे हम लोग का जो है क्या है कि जो है सेम चिन्ह है, तो यहाँ पे घटाने पर लिखेंगे, और घटाने पर क्या होगा कि चिन्ह जो है बदल जाएगा। यहाँ 15x से पहले प्लस छिपा हुआ है, ये माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस देख रहे हैं आप लोग, ये माइनस होगा, यहाँ भी प्लस छिपा हुआ है, यहाँ माइनस होगा, चिन्ह बदल गया, चिन्ह क्या हो गया, उल्टा हो गया। अब ये कैंसिल हो जाएगा, क्यों, 1 × 10y प्लस में है, 1 × 10y माइनस में है। अब 16x में 15x घटाइएगा तो यहाँ सिर्फ जो है x बचेगा, इधर जो उल्टा घटेगा, 20 कर्ज है और 18 जमा है, हम लोग क्या करेंगे, जमा से कर्ज को अदा करेंगे, तब भी 2 रुपया और कर्ज जो है पाएगा। इस तरह हम लोग क्या देखें, यहाँ पे x का वैल्यू -2 आ गया। अब इस x का वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, किसी एक समीकरण में रखेंगे, x का मान समीकरण जिसमें आपको जो है आसानी होगा उसमें रखिएगा। जैसे कि हम लोग यहाँ पे x का मान समीकरण 2 में रख रहे हैं, 2 में रखने पर, तो 2 मेरे पास क्या है, 2 है कि 3x + 2y = 4, ये मेरे पास 2 नंबर का समीकरण है। अब x का वैल्यू -2 लाए हैं, ये 3 × -2 + 2y = 4, और ये कितना हो गया, -6 हो गया, +2y = कितना, 4 हो गया। अब सिर्फ जो है 2y = कितना हो जाएगा, ये 4 तो ठीक है, -6 दाईं ओर जाएगा तो माइनस में है तो ये उल्टा हो जाएगा, यानी प्लस हो जाएगा, और 2y = कितना हो गया, 6 × 4 = 10 हो गया। सिर्फ y = कितना हो जाएगा, 10/2, क्यों 2 होगा, बाई में, क्योंकि 2 यहाँ गुणा में है, दाई हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, इसलिए y का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 से 10 में भाग देंगे तो ये 5 हो जाएगा। अंत में लिखेंगे, अतः x = -2y = 5। इस तरह हम लोग जो है इस सवाल को विलोपन विधि से हल कर चुके हैं। अब इसी सवाल को
वज्र गुणन विधि से हल करने के लिए जा रहे हैं। आइए अब इसको हम वज्र गुणन विधि से हल करते हैं। वज्र गुणन विधि से हल करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले पहला समीकरण को हम लोग लिखेंगे कि 8x प्लस 5y, ये 9 जो है दाईं ओर है, बाईं ओर लेके आएंगे तो ये माइनस 9 हो जाएगा, माइनस 9 इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन फर्स्ट। फिर जो हम लोग जो है दूसरा को लिखेंगे 3x प्लस 2y, ये 4 को हम लोग बाईं ओर लेके आएंगे तो ये माइनस 4 हो जाएगा इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन 2। हम लोग क्या करते हैं कि वज्र गुणन विधि को हल करने के लिए इसका जो फार्मूला है, फार्मूला से नहीं हल करके बाय जो हम जो है टेक्निक से हल करते हैं, आप इसको देखिए थोड़ा सा गौर से, तो इससे क्या होगा कि बहुत आसानी से आप भी इसको जो सोल्व करने के लिए सीख जाएंगे। आइए सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं, यहाँ पे जो है 4x है, तो हम लोग क्या करेंगे 4x बाई लिखेंगे, 4x लिए तो 4x बाई लिखेंगे। जैसे ही आप जो है 4x दिए इसको ढक देंगे, ये 5 × -4 हो जाएगा, 5 × -4, यानी क्या किया हम लोग जो है तिरछा जो है गुना किए, ये माइनस का चिन्ह हम लोग फॉर्मूला लिख दिए, -9 × 2 देंगे यहाँ पे, -9 × 2, मतलब इसको ऐसे गुना किए, इसको इस तरह जो गुना कर दिए, एक्स का काम खत्म हो गया। अब यहाँ पे लिखेंगे 4y, जैसे ही हम लोग 4y दिए तब y वाला को ढक देंगे, आगे जाएंगे यहाँ से क्या मिला हमको, -9 मिला, -9 × यहाँ कितना है 3 है शुरू में, ये 3 दे दिए, माइनस का चिन्ह फॉर्मूला से दिए। अब ये 8 × -4, 8 × -4 इज इक्वल टू, अब आगे बढ़ते हैं, अचर पद है और अचर पद में नहीं तो x है और नहीं तो y है, इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे, 1 लिखने के बाद ये अचर पद को हम लोग क्या करेंगे, ढक देंगे। अब तिरछी गुना करेंगे, एक 8 × कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 8 × 2, माइनस का चिन्ह दे दिए, ये 5 × कितना हो जाएगा 3, 5 × 3, इस तरह हम लोग क्या किए सजा लिए। अब क्या करेंगे इसको जो हल कर देंगे, ये एक्स वाई ये पंचों का कितना हो जाएगा 20 है ना, -20 हो जाएगा, यहाँ -, प्लस 9 × 2 = 18 हो गया इज इक्वल टू वाई, वाई कितना हो गया 9 किया 27, -27 हो गया, -, प्लस 8 × 4 = 32 हो गया, ये बराबर 1/, ये 8 × 2 = 16, माइनस का चिन्ह डाल देते हैं, 5 × 15 इतना हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और ये -20 है प्लस 18 है, इसका हल होगा -2 इज इक्वल टू, ये y हम लोग लिख दिए, यहाँ पे -27 है प्लस 32 है, इसका हल +5 होगा, बराबर ये 1/, प्लस 16 है -15 यानी 16 × 15 जाएगा कितना होगा 1 होगा। अब हम लोग क्या करते हैं, एक्स वाई माइनस 2 को एक बार लास्ट वाले से बराबर करते हैं, फिर वाई बाई 5 को भी हम लोग लास्ट वाला भाग से बराबर करते हैं, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा एक्स वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 1/1, क्रॉस गुना करेंगे तो एक्स को 1 से तो एक्स हो गया, माइनस 2 को 1 से गुना करेंगे यहाँ क्या होगा -2, एक आंसर ये हो गया। फिर हम लोग क्या करते हैं पुनः, या फिर वाई बाई 5 इज इक्वल टू 1/1, वाई को 1 से गुना करेंगे तो वाई हो जाएगा, और 5 को 1 से गुना करेंगे तो ये 5 हो जाएगा, इस तरह जो वाई का वैल्यू कितना निकला 5 निकला, ये दूसरा आंसर हो गया। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, आता है एक्स इक्वल टू -2 और वाई इक्वल टू 5, इस तरह जो हम लोग क्या किए 3 नंबर क्वेश्चन का जो है इस मैथ को हम लोग दोनों विधि से बनाए, विलोपन विधि से भी बनाए और वज्र गुणन विधि से भी बनाए। और बात उसमें एक भाग था लास्ट में कि आपको जो कौन सा जो ज़्यादा उपयुक्त लगता है, तो वह सबका जो अपने अपना इस पर है, तो हमको तो जो है ये जो है ज़्यादा उपयुक्त जो है विलोपन विधि से लगता है।